ये हीटर सही, ये आपका डबल डोर फ्रिज का हीटर है। अब ये हीटर सही है या नहीं है कैसे पता चलेगा, ये हीटर काम करेगा कि नहीं काम करेगा, बल्ब को पिघलाएगा कि नहीं पिघलाएगा, इसको चेक करने के लिए हम मल्टीमीटर से आसानी से चेक कर सकते हैं या फिर डायरेक्ट लाइन देकर भी चेक कर सकते हैं, कंटिन्यूटी मीटर से भी चेक कर सकते हैं। इसको डायरेक्ट कैसे चेक करेंगे, तो मल्टीमीटर को सबसे पहले क्या चेक करेंगे, बजट रेंज में सेलेक्ट करेंगे, मल्टीमीटर को बजट रेंज में सेलेक्ट करेंगे। जैसे डायोड रेंज बोला जाता है, कंटिन्यूटी रेंज बोला जाता है, बीप रेंज बोला जाता है, ये जो पॉइंट है ये पॉइंट, इसको घुमा करके इस पॉइंट पे दे देना डायोड रेंज पे, इसी को बजट रेंज बोला जाता है। और पता कैसे चलेगा मीटर सही है या नहीं है, ये दोनों पॉइंट को आपस में सटाएंगे, मेरा बीप का आवाज़ करेगा, नहीं आवाज़ कर रहा है, सही है ये मेरा मीटर बिल्कुल सही है। तभी ये हीटर मेरा सही है या नहीं है कैसे पता चलेगा, तो एक को यहाँ पर रखेंगे, दूसरे को इस पर सटाएंगे, तो कुछ वैल्यू शो करना चाहिए, समझेंगे बिल्कुल सही है मेरा ये हीटर। तो अभी चेक करते हैं मल्टीमीटर के द्वारा, देखिए वहाँ पर मल्टीमीटर बीप का आवाज़ दे रहा है और 4 ओम 5 ओम रेजिस्टेंस भी शो कर रहा है, यानी कि मेरा ये हीटर जो है बिल्कुल सही है। इसी तरह इसको भी अगर चेक करेंगे तो एक को इसमें दे देंगे, दूसरे को बारीकी से इसमें दे देंगे, देखिए वहाँ पर मीटर शो कर रहा है, यानी बिल्कुल ये मेरा सही है मेरा ये हीटर, यानी कि दोनों ये हीटर, इस टाइप में भी हीटर रहता है आपको डबल डोर में लगा हुआ सिंगल वाला, और इस टाइप में भी आपको हीटर लगा हुआ रहेगा, कि मेरा दोनों हीटर बिल्कुल सही है। अब हम इसमें डायरेक्ट लाइन देकर भी चेक कर सकते हैं, अगर डायरेक्ट लाइन देंगे इसमें तो मेरा गर्म होना चालू, यानी दोनों पॉइंट काच करेंगे, इस दोनों पॉइंट को डायरेक्ट मेन लाइन में जोड़ देंगे तो मेरा काच का गर्म होना चालू हो जाएगा। इस तरह से मेरा हीटर काच समझेंगे कि बिल्कुल सही है और ये गर्म करेगा। ये काम काच करता है डबल डोर फ्रिज में बर्फ को पिघलाने का काम करता है, 15 मिनट से आधा घंटा तक चलता है, उसी में आपको पूरा बर्फ को ये पिघला देता है। अगर इससे कुछ समझ में आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और सपोर्ट करिएगा, लाइक भी करिएगा।